आज मैं बुकिंग पे आ गई हूँ। राजरहाट बोले तो न्यू टाउन बोले तो, मतलब हम टपोरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आज। आज हम लोग जय दादी की मारवाड़ी लोग के जागरण होती है, राधा रानी नाच गाना होता है उन लोग को, उसको बोला जाता है जय दादी की। आप यहाँ की सजावट देखो, यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं सब काकुड़ गाछी महिला समिति की है, सब हमारी क्लाइंट है मेहंदी मेकअप की। और आज मेरे साथ दीदी और रीनू, हम लोग 3 जनाएं हैं। आज का काम जो हम लोग का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बस हम लोग को आज 1 घंटा काम करना है। लेकिन काम से ज़्यादा आज हम लोग को यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट हुआ। वहाँ पर राधा कृष्ण बने हुए हैं, इतनी सारी महिलाएं हैं, सब किताब लेकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। लेकिन मेहंदी लगाने के पहले थोड़ा पेट पूजा करना तो बनता है। तो ये खाने का स्टॉल काउंटर यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत जोड़ों की भूख लगी थी। राजाराज जो बहुत दूर है, तो खा पी के हम लोग देखो मेहंदी क्या लगाएंगे। हम लोग तो डांस ही इंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैंने मतलब किसी जागरण में इतना ज़्यादा इंजॉय किया राधा रानी नाच को। बहुत ही ज़्यादा सुंदर से ये सारा प्रोग्राम हुआ था। आप भी देखो, काश यहाँ पे गाना चल पाता। वहाँ पे जागरण करने के लिए आए हुए थे, उनकी आवाज़ जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ पे कृष्ण जी के तीनों रूप को दर्शाया गया था, श्याम गोरा और नीला रंग को। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये सारा प्रोग्राम का अरेंजमेंट हुआ था। हमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और आप लोगों को ये सजावट ये सब कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये चीज़ जो है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई पूरे जागरण में, ये जो है कृष्णा जी आँचल ओढ़ के एक थाली में, दो थाली में, जितने भी कृष्ण भगवान जी हैं दो थाली में, राधा माता पूरा चूड़ी लेकर आई है। और गाना चल रहा है चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो, श्याम चूड़ी बेचने आया। और वो जितनी भी सुहागने हैं सबके हाथ में चूड़ी दे रहे हैं, सुहाग के चीज बिंदी और चूड़ी। देखो सब अपने आँचल फैला फैला के इसे आशीर्वाद के रूप में ले रही हैं।
रहा झाड़ू और हो गई है दिन की शुरुआत झाड़ू मार कर। और ये मेरे फ़ोन में जो है चार्ज नहीं है, तो मैंने चार्ज लगा के वीडियो शूट कर रही हूँ। और ब्लूटूथ स्पीकर में भी जो है एकदम भी चार्ज नहीं था। सोची गाना चला चला के एकदम मस्त झाड़ू पोछा बर्तन कर लूँगी। कल का जो राधा कृष्ण का नाच आप लोगों को दिखाया है वो बहुत अच्छा लगा होगा। बस घर के सारे काम हो गए, बस झाड़ू पोछा करना बाकी रह गया है। बर्तन देखो कितने सारे धो के मैंने रखे हैं, और आज तो मुझे बहुत काम है, बहुत काम। तो जल्दी जल्दी से मैं सारे काम निपटा लेती हूँ। और 1 महीना बाद मेरा भाई भी आ रहा है, तो आज उसकी फेवरेट फेवरेट खाने की डिशेस बनाऊंगी। लेकिन आज मंगलवार है तो कोई नॉनवेज नहीं बना सकती, पर हाँ ठंड का टाइम है और मेरे भाई को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, तो आज उसके लिए मैं स्पेशली मार्केट जाऊंगी, गाजर लाऊंगी, गाजर का हलवा बनाऊंगी। लेकिन उसके पहले सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। झाड़ू मारते मारते देखो मेरे हाथ में क्या कर बैठ गया। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर खुशबू में। बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ गई है। ठंड बोले तो उतनी ज़्यादा नहीं है वेस्ट बंगाल में, लेकिन जो आज बहुत ही गंदा तरीका से हवा चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। लड्डू देखो 10 बज रहा है, अभी सो के उठा है। और हम लोग सोच रहे हैं कि 25 दिसंबर को क्या प्लान किया जाए, कहीं जाया जाए कि नहीं जाया जाए, कि घर में ही पार्टी शार्टी किया जाए। फिलहाल तो अभी धूप में बैठ के धूप के मजे ले रही हूँ। सब्जी ले लो सब्जी, देखो आज मैं कितने सारे वेजिटेबल्स लेकर आई हूँ। एक बैगन, मटर, सीम, भिंडी, गाजर, करेला, फूल गोभी, बंदा गोभी, पालक साग, मूली साग, आज ये सब खाने में बनेंगे ना शिवन्या। सबको हेलो बोल दो, हैप्पी विंटर बोल दो। अच्छे, आज कौन आ रहा है शिवन्या? आज जो इतने सारे सब्जी आए हैं वो आए हैं दीदी के वजह से, क्योंकि दीदी, रिशु और अरु आ रहे हैं, तो और मेरा भाई 1 महीना बाद, उसके लिए स्पेशली मैं गाजर लाई हूँ। उसे इस गाजर से मैं मारूंगी। तो अब जल्दी से फटाफट बहुत सारी चीज़ बनाना है, तो तैयारी अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी। और क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा भूत, मतलब मैं पूरा भालू बन गई हूँ। देखो आईब्रो बढ़ गया है, वैक्स करवाना है, पहले भी दिखाया था, तो आज आराम से जाके पार्लर में बैठूंगी, तो मैं स्पा वगैरह करवाऊंगी। मैं तो पहले खाना बना के जल्दी जल्दी चली जाती हूँ। शाम के बज चुके हैं 4 और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और मेरा बाल जो है मेरा भीगा हुआ है, क्योंकि पार्लर से आज सारे काम करा के घर जा रही हूँ। रिशु आ गया है, हेलो करो। हेलो, हेलो। बाबा अरु तो जो है बहुत बिजी है गेम खेलने में, और रिशु उसके पास से मच्छर भगाने में बिजी है। ये देखो नानी का प्यार, और ये देखो एक बक्सा भर के आया है नायका से। नायका से मैंने बहुत सारा, अरे बाबा मुझे बोलने तो दो। नायका से मैंने बहुत सारा सामान मंगाया है। ये मैंने इस बार फर्स्ट टाइम नायका का नेचुरल्स कुकुम्बर एलोवेरा हाइड्रेटिंग फेस वॉश मंगाया है, और इस बार मैंने एक शावर जेल मंगाया है अपने लिए, और ये बोरो प्लस दूध केसर का बॉडी लोशन, मम्मी के लिए 2 फेसेस कैनेडा का काजल, और ये मम्मी के लिए जॉय का नाइट क्रीम, और ये जॉय का हनी एंड आलमंड्स मॉइस्चराइज़र, और ये है लैक्मी पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम मेरे लिए मॉइस्चराइज़र। अभी तक तो फ़िलहाल इतना ही, और 1-2 चीज़ फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए हैं, जब आ जाएंगे तो दिखाएंगे। तो मैं और अरु जो है खाना पीना खा के, गुड़ का गरम गरम रसगुल्ला खा के कंबल में घुस चुके हैं। गुड़ का रसगुल्ला खाने में मज़ा आया? हाँ। और हम लोग लाल लाल भूत बन चुके हैं ठंडे में, ये बस ट्विनी लाइट की वजह से। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ब्लॉग किसी भी रीज़न से अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए, और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना भी मत भूलिए।
तो मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे किसी और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। अब तक बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर खुशबू के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट।